class 4th, welcome to online classes of HPS. This is your English class. So be ready with your English grammar book. We were doing our exercises of chapter 8. We have completed exercise 1st and 2nd. Okay, now come to exercise 3rd. Rewrite each sentence in the simple past tense. वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है सिंपल पास्ट में. रिमेंबर फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म में आती है, प्रेजेंट टेंस में आती है, और सेकेंड फॉर्म वर्ब की पास्ट टेंस में आता है. जस्ट राइट सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. अब ये आपको लर्न करने होंगे वर्ब्स की सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म. ओके, इट रेन्स इन जुलाई, तो इट रेन्ड इन जुलाई, ये रेन्स का रेन्ड हो गया सेकेंड फॉर्म, ईडी लग गया. फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स, फार्मर ग्रू क्रॉप्स, जी आर ई डब्ल्यू, ग्रू क्रॉप्स. तब दोबारा जब सेंटेंस लिखेंगे आप रिराइट करेंगे तो आप फार्मर्स ग्रू क्रॉप्स लिखेंगे. द काउ गेव मिल्क, गिव्स का गेव, गिव की सेकेंड फॉर्म गेव. शी वेस्ट हर टाइम, शी वेस्टेड हर टाइम, ई डी लग जाएगा. माई फ्रेंड्स हेल्प मी, माई फ्रेंड्स हेल्प्ड मी, ई डी. बॉयज प्ले इन द पार्क, बॉयज प्लेड इन द पार्क, सिर्फ वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट में. ठीक है, करिए इसको. नाउ रीराइट ईच सेंटेंस इन द सिंपल फ्यूचर. सिंपल फ्यूचर में करना है आपको, मतलब विल और शैल लगाना है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. बर्ड्स फ्लाई टू देयर नेस्ट, ऐसे लिखा है बर्ड्स विल फ्लाई टू देयर नेस्ट. बर्ड्स प्लूरल है लेकिन फिर भी विल आया है क्योंकि ये कन्फर्म है. फ्लाई का फ्लाई. ही गेट्स लेट फॉर स्कूल, गेट्स की जगह पे आएगा विल गेट, ही विल गेट. थर्ड, दे गो होम फॉर लंच, दे विल गो होम फॉर लंच, गो के प्लेस पे आएगा विल गो. आई फिनिश माई वर्क इन टाइम, आई विल फिनिश माई वर्क इन टाइम. She lives with her mother. She will live with her mother. The nurse looks after the child. The nurse will look after the child. ठीक है, अब है present continuous और past continuous. प्रेजेंट कंटिन्यूस में वी यूज इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी. वर्ब में आई एन जी लगेगा चाहे वो पास्ट हो चाहे प्रेजेंट हो. प्रेजेंट में इज एम आर लगेगा और पास्ट में वॉज और वर. सिंगुलर के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वर. सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर, और आई के साथ एम, और आई एन जी फॉर्म. ठीक है, इसकी एक्सरसाइज देखिए. बर्ड्स सिंग इन द ट्रीज, तो बर्ड्स किस में लिखना है हमको, प्रेजेंट कंटिन्यूस में. तो बर्ड्स आर सिंगिंग, बर्ड्स आर सिंगिंग, सिंग की जगह पे. द पियॉन रिंग्स, पियॉन सिंगुलर है, इज रिंगिंग. Sun is rising. Farmers are plowing. The moon is shining. Boys are making.
और रेस्ट आपको कंप्लीट लाइन लिखनी है, बस आपको वर्ब्स चेंज करनी है, ठीक है। एंड नाउ पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस में टेल का हो जाएगा शी वॉज टेलिंग इट वॉज रेनिंग ही वॉज गोइंग, गो की फॉर्म लिखनी है, ठीक है। बर्ड्स प्लूरल है बर्ड, फ्लाइंग फ्लाई की फॉर्म लिखनी है आईएनजी। शी वॉज राइटिंग, राइट की फॉर्म लिखनी है। अ लेटर टू हर फादर, द पुलिसमैन वॉज रनिंग, रन की फॉर्म लिखनी है, डबल एन आ जाएगा, रनिंग आफ्टर द थीफ। ओके, दिस यू विल डू इन योर नोटबुक। ओके, दीज टू एंड दीज टू, दिस इज योर होमवर्क एंड सेंड योर होमवर्क टू अस पॉजिटिवली। ओके, ज़रूर से भेजेंगे। दिस इज ऑल फॉर नाउ, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।